गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है सिमडेगा समाचार में। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। इसके साथ लाइक करें और हर वीडियो में कमेंट करके बताएं हमारा आगे का क्या करें। धन्यवाद। सेवई बंधा टोली गांव में झारखंड प्रदेश मध्य यूनियन के नेता राजेश कुमार सिंह ने आमजनों की समस्याओं को सुनने के लिए बैठक का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने सभी प्रकार की समस्याओं को सुनते हुए उन्होंने कहा, मजदूरों के हित के लिए सरकार द्वारा हो रहे निबंधन को जरूर कराएं और भविष्य में इसका भरपूर लाभ लें। वहीं सेवई बंधा टोली में कर्नाटक से बीज लाकर जुगनू नामक सब्जी की खेती कर किसान के मन में उत्साह, उन्होंने कहा, अभी तक फसल नहीं आई है लेकिन मन में उत्साह है कि जैसा बताया जाता है 300 रुपये किलो तक कहीं बाजार में इसकी बिक्री है, जिसको लेकर मैंने कर्नाटक से बीज लाकर खेती किया है। उन्होंने कहा कि आसपास के लोगों को भी इसकी जानकारी दे रहा हूँ ताकि अधिक से अधिक जुगनू की खेती लोग कर सके। सिमडेगा के कोचेडेगा स्थित शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर रामरेखा बाबा की अगुवाई में बैठक का आयोजन हुआ। 18 अप्रैल से शुरू होगी अनुष्ठान। वहीं भितभुना स्कूल के 62 बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण कराया गया, जिस पर उड़ीसा के कई पर्यटन स्थल के दर्शन कराते हुए उन्हें विद्यालय लाया गया तथा पर्यटन स्थल में घुमाने के साथ उन्हें नई ऊर्जा की सीख दी। कस्तूरबा आवासीय विद्यालय जलडेगा के छात्राओं को विदाई कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें विदाई दी। आपको बताते चले, 10वीं के छात्राओं ने परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से दिया, तत्पश्चात उनका विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं जलडेगा सभागार में बिरसा मुंडा आम बागवानी मिशन के तहत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस पर सभी सदस्य मौजूद रहकर बारीकी से इस योजना के लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त किया। सिमडेगा के किड्स केयर स्कूल कोलेबीरा का शुभारंभ अंचलाधिकारी कोलेबीरा के द्वारा रिबन काटकर किया गया। मौके पर स्कूल के निदेशक एवं शिक्षक मौजूद रहे। उन्होंने कहा, शिक्षा जीवन में महत्वपूर्ण अंग है। वहीं कुरडेग भिखारीएट में महिला धर्म पल्ली की ओर से महिला संघ की सम्मेलन 26वां आयोजन किया गया, जिस पर सिमडेगा के विधायक भूषण बाड़ा मौजूद रहे। उन्होंने भी धर्म के बारे प्रकाश डालते हुए ईश्वर पर भरोसा रखने की बात कही। जलडेगा के क्षेत्र में इन दिनों हाथियों का आतंक जारी। वहीं बोलबा में तोड़फोड़ कर कई घरों को नुकसान पहुंचाया है और अभी तक हाथियों के तांडव के कारण घर वाले रत जगा करने पर विवश है और कई फसलों को भी हाथियों द्वारा किया है नुकसान। सेवई एवं गर्जा सहित कई गांवों का दौरा कर कांग्रेसी नेताओं ने सुनी आमजनों की समस्याएं। इस दौरान बिजली की बिल की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने एकमुश्त में आवाज उठाया, जिस पर समाधान करने की बात कही। वहीं ठिठांगर के बगचट्टा सहित कई गांवों में आज भी 2 सालों से बिजली नहीं, जिसको लेकर राकेश लकड़ा ने बैठक कर बिजली विभाग को पत्र लिखकर ट्रांसफार्मर की मांग की एवं ग्रामीणों को आश्वासन दिया। सिमडेगा के प्रखंड बांसजोर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत उप विकास आयुक्त के अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन कर आम जनों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं को बारीकी से सुनने का काम किया। वहीं बानों के रसोईया संयोजिका संघ के द्वारा बैठक का आयोजन कर अपनी विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर चर्चा करते हुए अग्रिम रणनीति बनाने का कार्य किया। धन्यवाद। लाइक कर बताएं हमारा कैसा लगा।